ये हैं इतने सारे मॉस रोज और पर्सुलिन लगे हुए थे मेरे गार्डन में। अब इन सबको मैं निकालने जा रही हूँ और नेक्स्ट ईयर्स के लिए सेव करके भी रखने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ईयर के लिए इसे हम कैसे सेव कर कर रखते हैं तो वो भी मैं बताने जा रही हूँ। तो पहले तो मैं कुछ पॉट खाली करूँगी और नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेव करके रखूँगी। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इस पॉट से स्टार्ट करती हूँ। ये ऊपर में लगा हुआ था, यहाँ पर हैंग किया हुआ था। तो इसमें सारे कलर हैं, बहुत सारे कलर हैं। तो इसको मैं सेव कर कर रखना चाहती हूँ, लेकिन ये पॉट मैं खाली करना चाहती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इसे प्रून कर लेती हूँ। मोटे मोटे डंठल हो गए हैं तो इनको मैं पहले प्रून कर लेती हूँ इस तरह से। इसे मैं इस तरह से प्रून कर दी हूँ, सीजर से काट दी हूँ। ये देखिए, ये सब इसकी कटिंग है और इन्हें मैं वेस्ट नहीं करूँगी। अब इसे मैं पॉट से निकाल लेती हूँ और इसे निकाल कर मिट्टी से ही थी इसे निकाल लेती हूँ और इसे निकाल कर किसी दूसरे पॉट में रख देती हूँ। ये देखिए, बहुत आसानी से इसी से निकल गया। इसकी मिट्टी मैं बहुत हल्की बनाई थी क्योंकि ये हैंगिंग बास्केट है, तो इसमें लाइट मिट्टी ही, लाइट सॉइल ही बनानी चाहिए। देखिए, ये पूरा निकल गया है एकदम कटोरा शेप में। इसे थोड़ा थोड़ा मैं मिट्टी हटा देती हूँ थोड़ी थोड़ी। इसे चाहे तो हम इसके स्टेम्स को भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी तरह सेव कर कर रख दे रही हूँ। तो जो निकल गए हैं इन सभी को मैं इसी में डाल दे रही हूँ, सभी लग जाएंगे और नेक्स्ट ईयर फिर हम इसे दूसरे पॉट में लगा लेंगे। बोलो। और ये जो कप में है इसे मैं रहने दूंगी, थोड़ी सी इसे प्रून कर देती हूँ। ये भी इसमें इसे छोड़ देती हूँ ऊपर से प्रून करके। और इसे भी मैं खाली कर लेती हूँ, कुछ दूसरा प्लांट इसमें लग जाएगा। तो बस मैं इतने को सेव करके रखी हूँ। और कुछ गमले में भी हैं, एक जोड़ा है उसमें लगा हुआ है, वो रेड कलर में है तो वो भी रह जाएगा। और ये वाला पॉट नीचे की तरफ हैंग किया हुआ था, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेम्स से मॉस रोज के नहीं लगे हुए थे, बट इसमें जो मॉस रोजेज हैं लगे हुए बहुत लंबे लंबे हो गए थे और इसके स्टेम्स भी बहुत मोटे मोटे हो गए थे। तो इन्हें भी मैं निकाल लेती हूँ, इन्हें मुझे खाली करना। और इसमें एक विनिका है और ये जो डीप कलर में पिंक कलर का जो विनिका है वही है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और किसी पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। अगर ये हल्का पिंक कलर का होगा तो मैं इसे नहीं रखूँगी क्योंकि वो तो है ही और उसे मुझे ज़्यादा रखना भी नहीं है। और फ्रेंड्स, ये जो मॉस रोज और पर्सुलिन जिन्हें मैं पॉट से प्रून कर कर रखी थी तो वो हैं, तो ये लगभग 8-10 दिन से रखे हुए हैं क्योंकि पॉट खाली किए हुए मुझे लगभग 8-10 दिन हो गए हैं। तो इन्हें मैं वेस्ट नहीं करूँगी, इसका मैं कंपोस्ट बना लूँगी या लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ। तो इसे मैं किस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका मैं बनाती हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं ये जो मॉस रोज हैं इन्हें मैं लगभग एक पॉट ले ली हूँ जिसमें कि 1 लीटर पानी है, तो उसमें मैं इसे डाल दूँगी। तो इस तरह से मैं इसे डालती हूँ। और इसे कुछ दिन के लिए, और इसमें थोड़ा सा पानी भर देती हूँ, और कुछ दिन के लिए लगभग 10 से 12 दिन के लिए इसे मैं छोड़ दूँगी इसे पानी में ही। और इसे मैं कहीं शेडी प्लेस में रख दूँगी ढक्कन बंद कर कर। तो ये फर्टिलाइज़र
लगभग 2 सप्ताह में बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, तो मैं इसे 10 दिन के बाद से यूज करना शुरू कर दूंगी। तो जब यह तैयार हो जाएंगे तो इसे मैं छान लूंगी और उसके बाद इसे कुछ पानी में, जैसे कि ये 1 लीटर में डाला हुआ है, तो इसे मैं लगभग 6-7 लीटर पानी में डाइल्यूट कर दूंगी और उसके बाद सारे प्लांट्स में डालूंगी। तो उसके बाद जो इसमें वेस्टेज बच जाएंगे, पर्सोलिन और मॉसरोजिन, तो उसे भी मैं वेस्ट नहीं करूंगी, उसे मैं कंपोस्ट में डाल दूंगी। तो इस तरह से, तो अभी भी कुछ मॉसरोजिन और पर्सोलिन बचे हुए हैं, तो इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इनका भी मैं यूज कर लूंगी। कंपोस्ट के रूप में भी यूज कर सकती हूँ या सुखाकर भी प्लांट्स में यूज कर सकती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ कि जब भी हम कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं और उसे प्लांट में डालते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा फंगीसाइड ज़रूर मिलानी चाहिए, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र से प्लांट्स को फंगस लगने का थोड़ा डर लगा रहता है। इसलिए फंगीसाइड्स मिलाकर ही लिक्विड फर्टिलाइज़र को प्लांट्स में डालें। और फ्रेंड्स, इसे मैं अब ढक्कन बंद कर रख देती हूँ, लेकिन थोड़ा लूज ही बंद करूंगी और बीच बीच में इसके एयर को निकालती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।